प्रधानमंत्री के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी का दूसरा दिन है। काशी को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे, जैसा कि पहले दिन 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था, आज दूसरे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। सर्वेद मंदिर का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी के उमराहा में नया मंदिर बना है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे मंदिर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। काशी को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज दूसरे वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में रवि पाठक जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरे पर? पीएम मोदी ने 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज क्या कुछ खास होने वाला है वाराणसी के लोगों के लिए? पीएम मोदी क्या सौगात देने वाले हैं? आज 9:30 बजे लगभग का कार्यक्रम है उनका जी। वो जाएंगे उमरा है, आजमगढ़ रोड पर उमरा गांव पड़ता है, वहाँ पे विहंगम योग संस्थान के सर्ववेद मंदिर के वार्षिक उत्सव में, योग संस्थान के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे जी। इस दौरान प्रधानमंत्री सर्ववेद महामंदिर के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे जी। और पीएम यहाँ लगभग 2 घंटे तक संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज से मुलाकात बात करेंगे और पूरे मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे जी। 19,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी को, तो क्या कुछ इसकी जानकारी है? अरे अवलोकन करने में मंदिर का, मंदिर के अलावा डीसीएफ, एक डीसीएफ को इन्होंने माल ढुलाई का टेंडर रेलवे का दिया है, जिसका नया रेलवे ब्रिज, नया पूरा सेटअप बना हुआ है जी। जो कि कानपुर तक लाइन चालू है, कानपुर से मुगल सराय में जुड़ेगी, जिसको भी आज हरी झंडी दिखाएंगे मोदी जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट में आज कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। 2 बजे हाई कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा। बता दें कि 2 बजे हाई कोर्ट कमीशन का स्वरूप तय होगा। मंदिर पक्ष, मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। शाही ईदगाह से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट में आज कोर्ट कमीशन सर्वे स्वरूप का तय होगा। 2 बजे हाई कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय किया जाएगा। मंदिर पक्ष, मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि आज परिसर सर्वे होगा परिसर में? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जो मथुरा में शाही ईदगाह मामला है और मंदिर का मामला है, कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने सर्वे की जो बात कही गई थी, जो सर्वे कराने के लिए अपील डाली गई थी, उस पर अपनी सहमति जताई थी, कहीं के आदेश दिया था कि सर्वे किया जाए और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं सर्वे रोकने से इनकार कर दिया, तो लिहाजा अब सर्वे जो है वो किया जाए। तो फिलहाल आज जो कोर्ट की तरफ से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, वो आज हाई कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप जो है उस मामले पे आज तय होगा। और कहीं के 2 बजे हाईकोर्ट में जो कोर्ट कमीशन है सर्वे का स्वरूप वो तय होना, यानी कि दोपहर को 2 बजे के टाइम रखा गया। मंदिर पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील जो है वो भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो जाहिर बात, बड़ी खबर यही है कि आज स्वरूप तय होगा कि आखिरकार किस तरीके से सर्वे जो है किया जाए और कौन कौन उसमें रहेगा। जी जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर दिल्ली से है। यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस नेताओं की आज बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व के साथ आज मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी।
जातिगत समीकरण पर विस्तार से चर्चा होगी इस बैठक में। कांग्रेस की बैठक में जातिगत जनगणना पे बात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी इस बैठक में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में मंथन करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता आज अब बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि इस बैठक में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ मंथन करेगी कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें बहुत तेज हो चुकी हैं जी, और दिल्ली में भी इसको लेकर लगातार बैठक हो रही है, मंथन किया जा रहा है जी। जिसमें उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा के साथ जी, और रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव को लेकर भी एक जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है वो वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाए, इसको लेकर भी विचार हो रहा है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है जी। कांग्रेस की बैठक में आज कौन कौन से नेता शामिल होंगे? जी देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग बैठक में शामिल हो सकते हैं जी। और यूपी की रणनीति को लेकर उसमें विचार किया जा सकता है। सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी विचार किया जा सकता है। हम आपको बता दें, देखिए कि सहारनपुर से 20 दिसंबर से कांग्रेस की यात्रा भी है जो सीतापुर में समाप्त होना है जी। और निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की नजर है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस किन किन क्षेत्रों में अपना दबदबा चाहती है या कौन कौन से क्षेत्रों में चाहती है, इन सब चीजों को लेकर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर प्रयागराज से है। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। माफिया अतीब का फाइनेंसर है मोहम्मद नफीस बिरयानी। मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जेल प्रशासन की ओर से मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था नफीस। हार्ट अटैक के चलते कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती कराया गया है नफीस बिरयानी को। नफीस बिरयानी पर धूमनगंज थाने में FIR दर्ज है। अतीक के फाइनेंसर को हार्ट अटैक आया है। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर ये प्रयागराज से है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। फिनिक्स मॉल के ऊपरी तल पर आग लगी है। फिनिक्स मॉल के ऊपरी तल पर आग लगी है। आग लगने से मॉल में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिनिक्स मॉल में आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कृष्णानगर थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। फिनिक्स मॉल के ऊपरी तल पर आग लग गई है। बड़ा मामला लखनऊ से सामने आ रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आई है। रेप का मुकदमा लिखने में लापरवाही की गई है। इंस्पेक्टर की लापरवाही सामने आई है। रेप का मुकदमा लिखने में लापरवाही की गई थी। लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए। जांच के आधार पर इंस्पेक्टर निलंबित किए गए। बड़ी खबर लखनऊ से है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है। सागर शर्मा ने सदाना फुटवियर से जूते खरीदे हैं। जांच एजेंसी ने शोरूम के मालिक से भी पूछताछ की है। सागर शर्मा ने दिल्ली पुलिस में शोरूम मालिक से की थी 3 घंटे पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने शोरूम मालिक से की थी 3 घंटे पूछताछ। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है।
सागर शर्मा ने सटारा फुटवेयर से जूते खरीदे थे। जांच एजेंसी ने शोरूम के मालिक से भी पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने शोरूम मालिक से भी 3 घंटे पूछताछ की थी। सागर शर्मा है जो कि जिसे संसद भवन में। हाँ हाँ, मैं टीवी देखता हूँ, बस टीवी देखता हूँ। हाँ, वो जूता उसने लिया होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसने यहाँ से जूता लिया है कि नहीं लिया। बस दिन में टीम आई थी दिल्ली से, 3-4 आदमियों की टीम थी। पहले 3 लोग थे, फिर चौथा एक जना और भी आया। उन्होंने पूरी पूछताछ की हमसे और उससे ही पूछा था। अच्छा, तो उसने कहा मैंने यहाँ से जूता लिया, तो हमने कहा लिया, तो उसने बताया किस कंपनी का, लांसर कंपनी का था। उसने यही बताया 600 रुपए की रेंज का है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई गई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी बात नहीं कराई, वो खुद ही बात कर रहे थे उससे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि सागर शर्मा ने सटारा फुटवेयर से जूते खरीदे थे, अब आगे की कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, सागर शर्मा ने संसद के अंदर जिस तरह से घुसपैठ का मामला किया था, उस मामले को लेकर के भले ही स्पेशल सेल की टीम जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि अगर बात की जाए रविवार को, तो रविवार को लखनऊ स्पेशल सेल पहुंची थी, और स्पेशल सेल लखनऊ पहुंचने के साथ ही जिस तरह से उसके घर पर छानबीन की थी, क्योंकि वहां से जो नीली डायरी मिली थी, उस नीली डायरी के बारे में पूछताछ हो रही थी। उस दौरान जो परिजनों से बातचीत की गई थी, परिजनों से, तो स्पेशल सेल ने वीडियो कॉल के जरिए जो है पूरी बातचीत कराई थी। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक वहां पे पूछताछ हुई। उसके बाद जो है, तो स्पेशल सेल जो है जो उस स्थान पर पहुंची जहां से सागर शर्मा ने स्पेशल जूते बनवाए थे, जिसके अंदर वो स्प्रे छुपा करके ले गया था, उस फुटवेयर की दुकान पे पहुंची थी। तो वो सराना कंपनी का जो शोरूम है वहां पर पहुंची, वहां पर जो है वहां के जो मालिक है उससे भी लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। फिलहाल पूछताछ करने के बाद स्पेशल सेल की जो टीम है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अगर बातचीत की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कुछ बरामदगी हुई है या फिर क्या कुछ पूछताछ में सामने आए हैं, उन सभी मामलों को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से स्पेशल सेल की टीम रविवार को लखनऊ पहुंची थी, लखनऊ में जो घटना स्थल से लेकर के घर से लेकर के जो फुटवेयर की दुकान है, उन सभी जगहों पर छानबीन की थी। छानबीन के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उनको अपने साथ ले जाकर के अपनी जो चार्जशीट डायरी है उसमें इस्तेमाल करेगी, और जो रिमांड पर अभी जो लिया गया है, रिमांड के दौरान भी अभी आमना सामना कराया जाएगा, उस दौरान भी कई खुलासे हो सकते हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करते चोर पकड़ा गया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करते चोर पकड़ा गया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर लखनऊ से है कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करते चोर पकड़ा गया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कृष्णा मोहन आरएसएस के प्रांत संचालक बने हैं। बड़ी खबर है, कृष्णा मोहन आरएसएस के प्रांत संचालक बने हैं। सुनीत खरे भी दोबारा से प्रांत संचालक बने हैं। अवध प्रांत की बैठक में चुनाव किया गया। कृष्णा मोहन आरएसएस के प्रांत संचालक बने हैं। सुनीत खरे भी दोबारा से प्रांत संचालक बने हैं। अवध प्रांत की बैठक में चुनाव किया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस लिखी कार के अंदर बैठी युवती को पीटते दिखा युवक। कार के अंदर युवती को पीटते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस लिखी गई कार के अंदर युवती को पीटते युवक दिखाई दे रहा है। पीजीआई थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस लिखी कार में एक युवक ने युवती को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का गांवों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सभी विधानसभा में बनेगी 2 से 6 किलोमीटर सड़कें। 1700 किलोमीटर नई सड़क बनाएगी योगी सरकार।
सड़क निर्माण के लिए दी जाएगी 6 करोड़ की राशि। योगी सरकार का गांवों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है गांवों को लेकर, योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं? देखिए सपने, जाहिर सी बात है योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों का भी संपूर्ण विकास हो, एक समग्रता विकास की अवधारणा पर सरकार काम कर रही है। और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि हर एक विधायक को 6 करोड़ रुपए गांवों में 2 से 6 किलोमीटर नई सड़क निर्माण के लिए दी जाएगी। यानी अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो करीब 1700 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण ग्रामीण अंचलों में होगा। जाहिर सी बात है, ये कहा गया है कि जब हमारे गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। और इस रास्ते पर न सिर्फ योगी सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार का भी इस बात पर तवज्जो है कि ग्रामीण अंचलों और ग्रामीण इलाकों का भरपूर विकास किया जाए, जिससे कि शहरों की ओर ग्रामीणों का पलायन रुक सके और वहीं पर सारी सुविधाएं पहुंच सके। ग्रामीण गांवों में जितनी सड़कों का निर्माण होगा उतनी तेजी से विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर साल योगी सरकार लगातार गांवों में सड़कों का निर्माण करा रही है। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 2 से 6 किलोमीटर नई सड़कों का लक्ष्य रखा गया है, एक बड़ा ये लक्ष्य है। और जाहिर सी बात है अगर इस पर सही ढंग से काम होता है तो ग्रामीण अंचलों में करीब 1700 किलोमीटर नई सड़कों का जाल बिछ जाएगा। क्या ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए ये नई पहल है? देखिए हर एक साल योगी सरकार ये ऐलान करती है कि वो ग्रामीण अंचलों में सड़क निर्माण हो या कृषि का हो या दूसरे जो मूलभूत सुविधाएं हो। अब तो हालत ये हो गया है कि इंटरनेट तक गांवों में पहुंचाया जा चुका है और जो नगर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है वो पूरी तरह से आधुनिकता से सुसज्जित किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर 2 से 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर एक विधानसभा में होता है तो 1700 किलोमीटर एक बड़ा लक्ष्य कहा जाएगा, एक बड़ा तोहफा माना जाएगा ग्रामीण अंचलों के लिए कि वहां पर नए सड़कों का निर्माण होगा। जो इलाके सड़कों से अछूते होंगे उनको जोड़ने के लिए ये विधायकों को देखना होगा कि कहां वो 2 से 6 किलोमीटर तक का सड़क निर्माण की योजना को अपनी सहमति देते हैं। और इसके लिए सीधे उनके खाते में विधायकों के जो विधायक निधि है उसमें 6 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। बहुत बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है ऐसे फैसलों से वाकई ग्रामीण अंचल जो है वो खुशहाल होंगे और जब गांव खुशहाल होंगे तो देश भी तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ से है। आजमगढ़ में हवाई अड्डे का रास्ता साफ हो गया है। आजमगढ़ एयरपोर्ट को मिला DGCA से एयर ड्रोन लाइसेंस। ACS SP गोयल ने यह जानकारी दी है। आजमगढ़ में हवाई अड्डे का रास्ता साफ हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन जी जुड़ चुके हैं। तो सर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है कि एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है आजमगढ़ में? देखिए योगी सरकार जब से बनी है, हालांकि इसकी शुरुआत पिछले अखिलेश सरकार से हुई थी जो प्रादेशिक विमानन सेवा को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की कवायद शुरू की थी अखिलेश सरकार में, लेकिन वो अमली जामा पहनाया गया योगी सरकार में आकर के। संपर्क टूट गया है। ACS SP गोयल ने ये जानकारी दी है। आजमगढ़ एयरपोर्ट को मिला DGCA से एयर ड्रोन लाइसेंस। ACS SP गोयल ने यह जानकारी दी है कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। कल दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक होगी। अखिलेश यादव समेत सभी दलों के नेता शामिल होंगे। कल सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में चर्चा होगी। INDIA की कल दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में गठबंधन के कई प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली में कल INDIA गठबंधन की बैठक होगी। अखिलेश यादव समेत सभी दलों के नेता शामिल होंगे इस बैठक में। सीटों के बंटवारे को लेकर भी कल गठबंधन में चर्चा हो सकती है। बैठक में गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे।
यूपी में 15 सांसदों के टिकट काटेगी बीजेपी। बड़ी खबर यूपी से है, जहां यूपी में 15 सांसदों के टिकट बीजेपी सरकार काटेगी। योगी कैबिनेट के मंत्रियों को मिलेगा लोकसभा का टिकट। सत्यदेव पचौरी, हेमा मालिनी हो सकती है बाहर। पीलीभीत से वरुण गांधी का कट सकता है टिकट। आपको बता दें कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। दिनेश लाल यादव की टिकट संकट में दिखाई दे रही है। यूपी में 15 सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है। बड़ी खबर दिल्ली से है, यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज बैठक होगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज मीटिंग होगी। उत्तर प्रदेश राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के इस समीकरण की जातिगत समीकरण पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी शामिल होंगी इस बैठक में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गठबंधन में मंथन होगा। लखनऊ में सर्दी का सितम जारी है। बड़ी खबर लखनऊ से है कि सर्दी का सितम जारी है। लखनऊ में बढ़ाए गए रैन बसेरे। लखनऊ में लगातार रैन बसेरे बढ़ाए जा रहे हैं। नगर निगम ने जगह जगह रैन बसेरे लगाए हैं। रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अनुमान बताया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।